Hello student, how are you? Today I will explain you gravitation physics class 9. As you know before, gravity also called gravitation. In mechanics, the universal force of attraction acting between all matters. It is the weakest known force of nature. What is the difference between gravity and gravitation? जैसा कि आपको पता है, एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं gravity and gravitation, लेकिन दोनों में एक मामूली अंतर है. Difference between gravitation and gravity. Gravitation is the force occurring between two bodies, whereas gravity is the force occurring between the earth and another body. Universal law of gravitation. According to Newton, every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them or distance between their centers. यहाँ figure में दिखाया गया student. Let us two bodies A and B of masses capital M and small m lies at a distance of d from each other as shown in the figure. Capital G is called a universal constant because its value does not depend on the nature of intervening medium or temperature or any other physical variable. SI unit of universal constant G is equal to Newton meter square per kg square and the numerical value of capital G is equal to 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. It is founded by Henry Cavendish. Now your new topic, free fall. When an object falls down towards the earth under the gravitational force alone, we say the object is in free fall, and this acceleration is known as acceleration due to gravity. It is denoted by small g. The SI unit of acceleration due to gravity is meter per second square and its numerical value is 9.8 meter per second square. एक important question आता है आप लोगों में, explain the relation between small g and capital G, या write relationship between gravitational acceleration and universal constant. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर F is equal to m में एक होता है. अगर हम वेट की बात करें, या फिर इज इक्वल टू एम जी से ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज कर दिया गया है, तो दो फोर्स हमारे पास हो गए, एक एफ इज इक्वल टू एम जी और एक हो गया एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर. दोनों को कंपेरिजन करवा दिया गया है तो फार्मूला मिल गया है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ को डिनोट कर रहा है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर ही रखा गया है तो हम स्मॉल डी के जगह पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट. तो आपका रिलेशन हो गया स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर. स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर बदलती रहती है बिकॉज अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल. अर्थ पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, पोल पर थोड़ा सा चपटा है, तो पोल पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वेटर से कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है. अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, और अगर किसी तरह से अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती है. जबकि
यहीं पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ पर या किसी और प्लेनेट पर या किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें इस्माइल जी की, तो उसमें कैपिटल जी, कैपिटल एम, आर स्क्वायर सबकी वैल्यू हमें पता है। जी 6.67 × 10⁻¹¹ मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻¹⁴ kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻¹⁶ मीटर। सब वैल्यू पुट करने पर आप खुद स्टूडेंट रफ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि फार्मूले में देख रहे हैं, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इस फार्मूले पर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ऑल ऑब्जेक्ट स्मॉल, बिग, हैवी, लाइट, हॉलो और सॉलिड फॉल एट सेम रेट। क्योंकि स्मॉल जी के फार्मूले में मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, एक समान रेट से अर्थ की ओर खींचेंगे। आप पहले तीन इक्वेशन पढ़ चुके हैं मोशन के चैप्टर वन में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। दीज आर आल्सो ट्रू फॉर मोशन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, एसिलेशन के जगह पर ग्रेविटेशनल एसिलेशन जी पुट करना है, जिसकी वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट लेट फॉल फ्रॉम ए हाइट, देन इन दिस केस यू इक्वल टू 0 एंड जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू, देन एसिलेशन इज इक्वल टू -9.8 एंड द ऑब्जेक्ट विल गो ए मैक्सिमम हाइट यस वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। अगर कोई चीज़ आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उस समय ग्रेविटेशनल एसिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल एसिलेशन हमेशा अर्थ की ओर, नीचे की ओर काम करता है, और एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की ओर लौटने लगेगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया आप फोर्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स पोजिशन। मैटर इज द प्रेजेंट मास इज द मैटर प्रेजेंट इन इट। इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम डिनोट बाई kg। वेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। वेट का फार्मूला W इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू another place because it is depend on gravitational acceleration which is changeable. Now you can see some important question depend on gravitation chapter or NCERT solution. What do you mean by free fall? अभी chapter में explain किया गया, यहाँ भी एक बार explain कर दिया जा रहा है। Whenever an object falls towards earth under the force of gravity one and no other force is present, the motion of object is said to be free fall. अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मोशन हो रहा है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। What do you mean by acceleration due to gravity? ये भी आप एक्सप्लेन हो चुका है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। The acceleration of free fall is the acceleration due to gravity. We can also say that acceleration of an object due to gravitational force of earth acting on it known as acceleration due to gravity. What is the importance of universal law of gravitation? या आप ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर।
तो कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इट एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स दैट बाइंड द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, इसका एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से होता है, द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन एंड द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसका भी रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स से दिया जाता है। वाई विल ए सीट ऑफ पेपर फॉल स्लोवर देन दैट इज क्रम्ड इन टू ए बाल, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर एक पेपर सीट छोड़ा जा रहा और उसी साथ उसी के जैसे पेपर सीट को गोल बना करके छोड़ा जा रहा तो पेपर सीट धीरे क्यों गिरती है, यहाँ पे उसके धीरे गिरने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं है। ए पेपर ऑफ सीट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया एंड व्हाइल फॉलिंग डाउन इट हैज़ टू ओवरकम द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर या विंड करंट के कारण उस पर रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा लग रहा तो धीरे धीरे गिर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रांग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। जैसे कि आपको पता है मून का जो रेडियस और मास है वो इस तरह से है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 पार्ट आता है, पीछे थ्योरी में प्रूफ भी हो चुका है। तो अगर हम अर्थ की बात करें, मास 10 kg है तो वेट 10 × 9.898 newton हो गया। वहीं पर अगर हम उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकालें तो वेट इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6, तो 16.3 newton हो गया, जबकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मून पर 10 kg ही रहेगा क्योंकि मास नहीं चेंज होता है। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 m/s, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच राइजेस एंड टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, आप फार्मूला यूज कर लीजिए v² - u² = 2gs, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे यस इक्वल टू 122.5 m, उतनी ऊंचाई तक वो जाएगा और जाने का जो समय है 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम जो निकालेंगे तो 5 सेकेंड जाने का और 5 सेकेंड आने का, तो उसको टोटल 10 सेकेंड लगेंगे। सिमिलरली यू कैन डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो योरसेल्फ इफ यू फील एनी कन्फ्यूजन आर प्रॉब्लम, राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आई एक्सप्लेन यू पर्सनली। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट्स, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस में, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ द इनर्सिया, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट्स अट्रैक्ट टूअर्ड द अर्थ, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज न्यूटन, इट नेवर बिकम जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, वाइल द वैल्यू चेंज फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड इट कैन बी जीरो, किसी का वेट जीरो हो सकता है अगर वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होती है। फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स।